हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में साइंस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने साइंस के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं सॉल्व किया है तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर उसका लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें, आपको मज़ा आएगी क्योंकि उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो होता है ये समय मापन की इकाई को नहीं दर्शाता है, जबकि प्रकाश वर्ष ये दूरी मापन की इकाई को बताता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये दूरी मापन की इकाई है। ठीक है, वही नाट जहाज की चाल की माप को बताता है। नॉटिकल जो होता है वो नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की इकाई है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई नहीं बल्कि दूरी मापन की इकाई है। ठीक है, किसकी है, ये दूरी मापन की इकाई है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट होते हैं। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, एक वाट बराबर एक जूल प्रति सेकंड होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितने का होता है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के बराबर होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को का सही प्रयोग करके हमें सही आंसर बताना है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हमें मिलान करना है। देख लेते हैं, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा दिया गया है, और सूची 2 में मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल एक ही अनुपात होता है। इसलिए मैक जो है उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। मैक क्या करता है, ये उच्च वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। जो तरंग दैर्ध्य का मापन है वो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। उसके बाद दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और वहीं ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक माइक्रॉन बराबर होता है, एक माइक्रॉन कितने के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक माइक्रॉन इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। ठीक है, एक माइक्रॉन बराबर 10^-6 मीटर इज इक्वल टू 10^-6 गुड़े 10^3 मिलीलीटर मीटर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 1/10^3 मिलीलीटर मीटर। ठीक है, मिलीलीटर मीटर, इसलिए 1/1000 मिलीलीटर मीटर। ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक माइक्रॉन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10^-4 सेंटीमीटर के। ठीक है, एक माइक्रॉन 10^-6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एक माइक्रॉन 10^-6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है। इसे इसका उसको जो है इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे चिन्ह होता है। ठीक है, एक माइक्रॉन बराबर
0.00001 मीटर के बराबर होता है, इज इक्वल टू 0.0001 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू करेंगे 1 upon 10,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-4 सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है बट किसी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, इससे हमें बल मिलती है, ऊर्जा शक्ति सब मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई है, सेल्सियस किसकी इकाई होती है, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है, सेल्सियस होता है ये ताप को मापने का मात्रक होता है, ठीक है। डेसिमल ध्वन की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्त शक्ति की इकाई है, और समुद्री जो है मील है, नौसंचालन में दूरी की इकाई है, जबकि सास सेल्सियस जो होता है ये ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि ताप की मात्रक होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 मीटर के, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। दूरी को मापने का जो एसआई मतलब दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10^-12 ग्राम के, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10^-12 ग्राम के, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर 10^-12 ग्राम के बराबर होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10^-6 ग्राम के, ठीक है। 1 फेम्टोग्राम कितने बराबर होता है 10^-15 ग्राम के। 1 मिलीग्राम कितने के बराबर होता है 1 मिलीग्राम होता है 10^-3 ग्राम के। और 1 नैनोग्राम कितने के बराबर होता है 1 नैनोग्राम 10^-9 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की इकाई होती है पास्कल, पास्कल जो होती है दाब की इकाई है। किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बार, ठीक है, बार। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। 1 bar = 1 bar = 10^5 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1 kg/s² दाब समतुल्य है, कितने के समतुल्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0 bar के। 1 dyne = 0.02 × 10^-6 kg के, ठीक है। और 1 bar = 10^6 dyne/cm² के,
डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के, और इसलिए डाइन का मान जो होता है बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार कितना, एक बार कितने के बराबर होता है, एक बार बराबर हो जाता है 10^6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर के। एक बैरल बराबर कितना होता है, एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 158.9873 लीटर के। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फर्मी मीटर। क्या होती है, फर्मी मीटर। एक माइक्रान बराबर होता है 10^-6 मीटर के, एक नैनोमीटर बराबर होता है 10^-9 मीटर के, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 मीटर के, और एक फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है, एक फर्मी मीटर 10^-15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, हमारा आज का अगला प्रश्न है, फिर से हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित करना तथा नीचे दिए गए कूटों का मिलान करना है सही से, तो देख लेते हैं हमारे कूट क्या दिए गए हैं। क्यू से एक बाइक रिएक्टर कुछ है और इसका कुछ पॉइंट दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं अपन क्या है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3421, यानी जो जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह की दर को मापने के लिए क्यूबिक फीट प्रति सेकंड या क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। क्यूसेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, प्रवाह की दर को मापने के लिए। ठीक है, यानी क्यूसेक को प्रवाह की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट डिजिटल सूचना का की एक इकाई है, जो कंप्यूटर है ये बाइट से होगा। ठीक है, क्या है ये, कंप्यूटर के संदर्भ में बाइट जो है ये बाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है। रिक्टर जो होता है ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर क्या होता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना होता है, गणितीय पैमाना माना जाता है। और लास्ट में हमारा बार है, तो बार दाब की इकाई होती है। ठीक है, बार जो होता है ये दाब की इकाई होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है, क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट पर सेकेंड जल बहाव की दर मापने की एक इकाई है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाप्सन। क्या होता है, डाप्सन। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मानक जो होता है ताप और दाब का 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई 2.69 × 10^20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत की मोटाई नापने में। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोनार का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सोनार का। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी तथा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों का समुद्र इसमें क्या होता है कि इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है,
सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों के द्वारा। सोनार जो है ये नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग नौसंचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति की परास्रव्य तरंगों को महासागर की गहराइयों में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत नहीं बताते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सोनार में हम उपयोग क्या करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।